हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। सो आज का मेकअप लुक इंस्पायर्ड मेकअप लुक पता है किससे? मेगा दी से। मैं उनसे इंस्पायर होके मेकअप किया हुआ है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है, बिल्कुल फ्री है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने अब आईब्रो को फिल करने के ब्राउन शेड लिया, उसे अच्छे से फिल करूँगी। और उनका आईब्रो बहुत थिक है, अब मेरा आईब्रो थिक नहीं है, तो प्लीज़ गाइस आप लोग माइंड मत करना। ओके, क्या मैंने सिर्फ इंस्पायर मेकअप किया हुआ है। उसके बाद मैंने अच्छे इसे कॉम कर लूँगी। और गाइस मैंने थ्रेडिंग करवाया नहीं है, और मैं थोड़ा मुझे डार्क चाहिए था क्योंकि उनका ठीक है ना, और ब्लैक भी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और लेके प्रोडक्ट लेके इसे अच्छे से फिर से ब्लेंड किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक ब्राउन शेड लेके, ये मैंने 200 या 250 का ही मैंने ये आई शेडो लिया हुआ है। जैसे उन्होंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया हुआ है, मैंने भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ही किया हुआ है। उसके बाद मैं एक ब्राउन शेड जैसे लिया हुआ ऐसे अच्छे से दोनों आईज पे ब्लेंड कर लूँगी। वो बहुत क्यूट है मेघा दी, मैं उतना क्यूट नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। उसके बाद मैंने पिंक शेड लेके एक फ्लैट ब्रश से लेके इसे अच्छे से तब तक मैं ब्लेंड करूँगी जब तक मेरा डिजायर कलर ना आ जाए। इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड बहुत मस्ट है, आप लोग भी ब्लेंड करना भूलो मत। आप लोग अच्छे से करोगे ना तो आपकी आईज़ और मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगेगा। देखिए आप लोग, उसके बाद मैंने दोनों आईज़ पे कर लिया। फिर मैंने लाइनर लिया हुआ है, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, मेरी आंखें बड़ी नहीं हैं। उन्होंने कोई फेक लैसेस नहीं लगाए, तो मैंने भी कोई फेक लैसेस नहीं लगाए हैं। देखिए उसके बाद वो थोड़ी पतली हैं और मेरा चीक भरा भरा है, इसलिए मैंने उन्होंने कॉन्टोर नहीं किया, पर मैंने किया हुआ है ताकि उनकी तरह थोड़ा सा स्लिम दिख सकूं। उसके बाद मैंने मास्करा लिया हुआ, मास्करा मैंने मेवलिन का लिया हुआ है। इसे मैं ऐसे लगाती हूँ ना ताकि एक एक पलक में मेरे मास्करा लग जाए और आंखें बहुत अच्छी लगे, क्योंकि मैंने फेक लैसेस नहीं लगाया था, इसके लिए मुझे अच्छे से चाहिए था। आप लोग देख लो कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने ब्लश लिया हुआ है, ब्लश है उसी मैंने ब्लश नहीं लिया, उसी आई शेडो से ही मैंने ब्लश लेके लगाया है पूरा। उन्होंने सॉफ्ट पिंक लिया लिया, मैंने भी सॉफ्ट पिंक लिया ताकि मुझे, देखो आप लोग, उसके बाद मैंने हाइलाइटर लिया हुआ है
और उन्होंने कोई हाइलाइटर नहीं, पर मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। गाइस मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर और लगाया। और हाइलाइटर मैंने वही, मेरे पास एक ही है, इसलिए गाइस मैंने वही सिवाना पैलेट में से ही उसी से लेकर और थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। गाइस मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, आप लोग, मैंने सेकंड टाइम बोला है, देखो आप लोग भी जहाँ जहाँ आप लोग की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ आप लोग हाइलाइटर लगा लो। उसके बाद मैंने लिप लाइनर लिया, और लिप लाइनर स्विच ब्यूटी का है। उनकी लिप्स, मतलब वो जो भी लिपस्टिक लगाती है ना, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो भी लिपस्टिक लगाती हैं, इसलिए मैंने लिप लाइनर लगा के फिर लिपस्टिक फिल किया हुआ है। लिपस्टिक है पर्पल का, सेट नंबर 10 है, लिक्विड लिपस्टिक है। इसे अच्छे से, ये तो मेरा फेवरेट लिपस्टिक है गाइस, आप लोग भी ये लिपस्टिक लगाओगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा। देखो आप लोग, और गाइस मेरे पास सेम ज्वेलरी नहीं था, इसलिए मैंने, और हाँ मैंने काजल लगाया, उन्होंने काजल वाइट काजल लगाया था, मैंने भूल गया था, इसलिए मैंने फिर से वाइट काजल उन्होंने लगाया था, मैंने भी एन बाई वे का उन्होंने भी लगाया था, मैंने भी लगाया, मैंने, मेरे पास था तो इसलिए मैंने लगा लिया। और ये काजल का मैं क्या बात करूँ, ये काजल एक तो इतनी सस्ती है, ऊपर से इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लो कितनी अच्छी काजल है, वाटरप्रूफ नहीं कहेंगे फिर भी अच्छी है। देखो हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हो। कितना इसका प्राइस होगा, 50 या 60, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। देखिए मेरा फाइनल लुक, मेरे पास ज्वेलरी नहीं थी इसलिए मैंने जो था वो पहन लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय बाय, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।